नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जिन लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ाई की उनके मार्क्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। टेस्ट शक्ति आरू यारू जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसका पहला टेस्ट, और उस टेस्ट के अंतर्गत टॉप 10 लोगों का नाम मैं यहां पे दिखाऊंगा। दिखाने को तो पूरी लिस्ट दिखाई जा सकती है, लेकिन टॉप 10 में ही कितना अंतर हो जाता है, और आप लोग भी टॉप 10 में आने की कोशिश करें, इसका उद्देश्य यह है। 140 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का था। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3, एक नंबर का एक क्वेश्चन। अगर आप सही करते हैं तो आपको +1, गलत करते हैं तो -1/3। जो रिजल्ट हमारा जारी होता है वो निगेटिव मार्किंग के साथ जारी होता है, तो निगेटिव मार्किंग निकाल के ये मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको। मैं अभी जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि स्पष्टता आपको ये दिखे। इधर आपकी रैंक दी हुई है, रैंक यहां पर देखिए, फर्स्ट रैंक आई है एनजी प्रोडक्ट मास्टर। अब ये एक्चुअली ऑनलाइन आप लोग टेस्ट लेते हैं तो जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो नाम यहाँ पे दिख रहा है। नंबर हम प्राइवेसी के कारण शो नहीं कराते हैं कि आपका नंबर कहीं लीक ना हो, तो इन्होंने अपना नाम ये लिखा होगा। तो एनजी प्रोडक्ट मास्टर का पहला स्थान है इसमें। इन्होंने 140 में 140 अटेम्प्ट कर दिए हैं, करेक्ट इनके 128 हुए हैं, इनकरेक्ट 12 हुए हैं। तो 12 जो इनकरेक्ट हुए, 1/3 अगर करें तो 4 मार्क्स इनके कट जाएंगे, तो 128 में से 4 निकले तो 124 मार्क्स इनके आए। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही ज्यादा ये अच्छा आपने अटेम्प्ट किया है। मोहनी शुक्ला का दूसरा स्थान है, दूसरी रैंक है, 138 इन्होंने अटेम्प्ट किया, 138 अटेम्प्ट करके 126 इनके सही हुए, 12 इनके इनकरेक्ट हुए हैं, तो इनके मार्क्स 2 कम है, 122 मार्क्स है। एक्यूरेसी मोनी शुक्ला की ज्यादा अच्छी है उस लिहाज से देखा जाए, लेकिन मार्क्स जिसके ज्यादा आए हैं तो फर्स्ट रैंक तो उसकी आएगी ही। थर्ड रैंक आ रही है विभा पांडे की, 126 इनके अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, 110 इसमें से करेक्ट हुए हैं, 16 इनकरेक्ट इसमें हुए हैं, और 105 इनके मार्क्स आए हैं। तो आप तीनों लोगों को, एनजी, मोनी और विभा, बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं, आपने बड़ा अच्छा पेपर किया है। चौथी रैंक है हरिश्चंद्र शर्मा की, 140 में से 97 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, 43 इन्होंने छोड़ दिए हैं इनकरेक्ट, 140 किए हैं, मैं गलत बोल रहा था, शायद पहले भी मैं बोल गया हूँ। विभा ने 126 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है मैं सही बोल रहा हूँ अब, 140 में 140 इन्होंने अटेम्प्ट किया हरिश्चंद्र ने, और इनके 97 करेक्ट हुए हैं, इनकरेक्ट हुए हैं 43, 83 इनके मार्क्स आए हैं टोटल। तो ये चौथी रैंक है। पांचवी पे अग्रम बेग है, 139 इन्होंने 140 में से अटेम्प्ट किया, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही 140 थे, 94 इनके सही हुए हैं, 45 इनके रॉन्ग हुए हैं, गलत हुए हैं, इनकरेक्ट है, 79 इनके मार्क्स आए हैं। विशाल सिंह, 108 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, 78 इनके सही हुए हैं, 30 क्वेश्चन इनके इनकरेक्ट हैं, 68 मार्क्स इनके आए हैं। सातवीं रैंक है विकास वर्मा की, ये 140 क्वेश्चन में पूरा इन्होंने अटेम्प्ट कर दिया, 80 सही हुए, 60 गलत हुए, 60 मार्क्स इनके आए। अब देखिए आपकी गलतियां यार ज्यादा हो रही हैं अगर, तो आपके मार्क्स कैसे प्रभावित हो रहे हैं। मिनी सिंह 140 में 140 अटेम्प्टेड, और 79 इनके करेक्ट, 61 इनकरेक्ट मार्क्स, देखिए 59 केवल आए। अनु सहानिया 124 इन्होंने अटेम्प्ट किए, 124, 74 इनके करेक्ट हैं, 50 इनके इनकरेक्ट हैं, 57 इनके मार्क्स आए हैं। और दसवीं रैंक है सत्येंद्र कुमार की, 131 इनके अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, 75 इनके करेक्ट हैं, 56 इनके इनकरेक्ट हैं, और 56 मार्क्स आए हैं। आगे दीक्षा है, पूनम सिंह है, और आगे पूरी लिस्ट है। कई बार एक ही नाम के दो लोग होते हैं, तो अब इसमें तो मैं यही बता सकता हूँ कि भाई दोनों का ये रैंक आया, अब वो देख लें अपने आपके सेल्फ पोर्टल पे भी, जब आप ओपन करते हैं और टेस्ट जब आप टेक करते हैं तो टेक टेस्ट के बाद जब सबमिट करने पे रिजल्ट आता है तो वहां पे भी रैंक आती है, और ये सारा कुछ हम आपको पीडीएफ फॉर्म में एनालिसिस के साथ दे देते हैं। तो रैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी। मान लीजिए किसी के कम मार्क्स आए हैं, आगे पूरी सूची है, ये बड़ी सूची है, आप देखेंगे ये बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है, सारे लोगों का नहीं दिखाऊंगा, केवल 10 लोगों को, इसलिए क्योंकि उनको प्रोत्साहन भी मिले, और आप लोग कोशिश अच्छे से करते रहे, ये जरूरी है, सुधार जरूरी है। तो पीडीएफ जैसे हमने दिया आपको, ऑनलाइन आप फिर से रीटेक कर सकते हैं टेस्ट, रीटेक किया आपने, बाद में मैं टाइमिंग भी दे दूंगा कि इस टाइम तक जो टेस्ट नहीं देगा उसकी रैंक में मतलब रैंक में भागीदारी नहीं होगी, रैंक में उसका नाम नहीं आएगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप
टेस्ट टाइमली दें। जैसे मान लीजिए टेस्ट 8 बजे हमारा पब्लिश होता है, जो शेड्यूल है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अब 8 बजे शाम को पब्लिश हुआ तो मान लीजिए एग्जैक्ट 8 बजे करेक्ट 8 बजे आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई ऑफिस से आ रहे हैं, अभी थके हैं, मार्केट चले गए हैं, लेकिन उसी समय रात में 1-2 घंटे बाद उसको दे लीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे आपके टेस्ट चलते रहेंगे। और ये पूरे टेस्ट का शेड्यूल मैंने आपको कई बार वैसे भी दिखाया है, और ये जो शेड्यूल है ये शेड्यूल महत्वपूर्ण इस लिहाज से बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसको कवर करने के बाद में आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। हमारे जो टेस्ट है, टेस्ट ऐसे नहीं रख दिए गए हैं कि बस जब मन हुआ वो टेस्ट, हमने एक शेड्यूल आपको दिया है, तो शेड्यूल को फॉलो करिए। जिनके पास शेड्यूल नहीं है हमें मैसेज करें, इसका डिटेल मंगा लें, और पूरा हमने शेड्यूल में एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है जिससे कि आपका पूरा कवर हो जाए, अच्छे से कॉन्फिडेंट आप हो जाए। अभी तो टॉपिक वाइज हमारे टेस्ट चल रहे हैं, ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट था। आज जो टेस्ट होगा, आज 3 तारीख है, आज आपका टेस्ट है, तो आज के टेस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 टेस्ट हमने रखे हैं, तो उसका पहला लगभग हाफ सिलेबस इसमें हमने कवर किया है, 140 क्वेश्चन इस पे आपको मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के ये टेस्ट दीजिएगा, कल सुबह तक दे लीजिएगा टेस्ट, फिर हम रैंक जारी करेंगे। थैंक यू सो मच।